दो सवाल हैं मेरे। एक सवाल तो ये है कि जैसे आपने इजहार मोहब्बत के बारे में बात की कि बच्चे का जो इजहार मोहब्बत वालदैन के साथ होता है वो वक्त के साथ, उसकी एज के साथ, उम्र के साथ तब्दील होता है, और जो प्री टीन में होते हैं या उसका इजहार मोहब्बत का अंदाज अलग होता है, और जो टीन एजर हो जाते हैं फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है या उनकी जो जरूरियात उसमें तब्दील आ जाती है। लेकिन अगर एक बच्चा इस तरह का हो जो टीनेजर में आ गया है लेकिन अपना इदारे मोहब्बत जो है वो उसकी डिमांड वैसी ही है जैसे कोई 7 साल के या 6 साल के बच्चे की, और वो कांस्टेंट यानी कि एक मुसलसल इस तरह का बिहेव करे जिसमें वालदैन के साथ बहुत ज्यादा चिपकना भी हो और बहुत ज्यादा फिजिकल कसम की एक इजहार मोहब्बत हो, जो कि एक बच्चे के साथ जो कि 7-8 साल का बच्चा हो समझ में आता है, लेकिन एक जो बड़ा बच्चा हो थोड़े से मेच्योरिटी लेवल पर जा रहा हो उससे एक ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती, या तो या एक मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड होती है, तो उस सूरत में वालदैन किस तरह से अपना रवैया रखते हैं उसके साथ। दूसरी बात ये कि आपने जो मुकालमे का जो तस्करा किया कि मुकालमा होना चाहिए, उसमें आपने बहुत सी बातें जिसकी निशानदेही की जो कि मुकालमे का हिस्सा नहीं होती, तो इसकी वजाहत कीजिए कि फिर मुकालमा क्या है आपने। बहुत अच्छा जी। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कभी ऐसा मुमकिन है कि एक बच्चे की मोहब्बत उसी फॉर्म में तलब कर रहा हो और वो 14-15 साल का हो और वो उसी तरह से, मतलब इस हद तक हो कि वो आपसे उसी तरह चिमटना चाहता है, उसी तरह की वो मोहब्बत का उसका इजहार भी वैसा ही है जैसे किसी 8 साल या 6 साल के बच्चे का है, और वो कुछ उसी तरह की चीजें चाहता भी है और करता भी है। तो ऐसा हो सकता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि इसको, ये बात ठीक है कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल बात है, ये बात आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आप जरूर समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज अनयूजुअल हो और वो चीज ठीक भी ना हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब ये अनयूजुअल तो है लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहली बात मैं ये अर्ज करूंगा। तो आप इस चीज के ऊपर मतलब रिएक्ट नहीं करें बल्कि उसको अंडरस्टैंड करें। अगर वो आपसे लिपटता है और मिलना चाहता है तो ठीक है, आप उसको एक, ये ग्रेजुअली चीजें और बेहतर होंगी, मतलब थोड़ी सी और उसको इसका बेहतर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे फिजिकली भी एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ बच्चे अपनी फीलिंग्स के और अपने जज्बात के इजहार में लफ्जों की भी और जिस्म की भी, मतलब उनका एक बॉडी लैंग्वेज से भी उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम, हमें अंडरस्टैंड करना होगा और इसको हम माइंड ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये देखें कि क्या इस बच्चे के पास, मतलब इसकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो किस लेवल पे डेवलप हुई हैं। और अगर किसी बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई हैं और वो अपनी मोहब्बत का इजहार इसी तरह से कर रहा है, तो ये एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके पास अपनी फीलिंग्स के इजहार के बहुत अच्छे खूबसूरत लफ्ज इसको मिलें और वो अपनी फीलिंग्स का इजहार लफ्जों में करे। तो ये हमें, ताकि वो उसके पास अपनी फीलिंग्स के इजहार का जो आसान तरीका है वो भी उसके पास हो। लेकिन ठीक है, वो मतलब आपको प्यार करता है, आपसे हक करता है, तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये चीज़ तो वैसे भी हमें और बच्चों के साथ भी करनी चाहिए, लेकिन किसी बच्चे का हो सकता है कि ये मामला ज्यादा हो। तो एक चीज हमें इसमें, पहली बात तो ये कि इसको हम कोई खराबी या कोई प्रॉब्लम ना समझें और इसको हम अंडरस्टैंड करें। दूसरी बात यह है कि बच्चे की अगर लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं है तो हम उसकी तरफ कोशिश करें, खास तौर पे फीलिंग्स के इजहार के जो का जो अंदाज है वो हम देखें कि वो उसके पास होना चाहिए लफ्जों में भी। तीसरी चीज ये है कि जो, अगर वो बेटा है तो हम देखें कि जो फिजिकल स्पोर्ट्स है और जो रफ एंड टफ स्पोर्ट्स होता है ना, जो थोड़ा सा जिसमें चोटें लगती हैं, जिसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग स्पोर्ट्स होते हैं थोड़े से, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो इस तरह के स्पोर्ट्स जो फिजिकली एग्जॉस्ट करते हैं एक आदमी को, खास तौर पे जैसे फुटबॉल है या कोई और ऐसी चीज है, ये बच्चों को इसके मौके मिलने चाहिए। और ये भी उनकी ओवरऑल शख्सियत के लिए अच्छी चीज है।
तो इन चीजों का ख्याल कीजिए। और बाकी मुकालमे का जो सवाल है कि हम किन मौजूआत पे करें, मैं शॉर्ट आंसर आपके क्वेश्चन का दे देता हूँ।